महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में कहा कि सरकार दिशा सालियन के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी बनाएगी। दिशा सालियन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। पुलिस के मुताबिक 8 जून 2020 की रात दिशा सालियन ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। 6 दिन बाद यानी कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने घर पर मृत पाए गए। भाजपा विधायक नीतीश राणे ने भी मांग की कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के नेता आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि सालियन की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। 28 साल की दिशा सालियन एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी। स्थानीय पुलिस ने दिशा सालियन की मौत के मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ली थी क्योंकि पोस्टमार्टम में किसी तरह की साजिश पर खुलासा नहीं हुआ था। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच अधिकारी ने कई महीनों तक जांच के बाद सहायक पुलिस आयुक्त को 2021 में एक रिपोर्ट भेजी। ऐसा माना गया कि दिशा सालियन की मौत में कोई साजिश नहीं थी। एक बार फिर खुल सकता है दिशा सालियन केस। डीआरवी न्यूज़ ब्यूरो मुंबई।